BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। क्या आप भी उनमें से हैं जो हमेशा बेस्ट करना चाहते हैं और बेस्ट पाना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ कि आप अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान बना सके। हम सभी चाहते हैं कि हम जहां भी इन्वेस्टमेंट करें हमारा इन्वेस्टमेंट बेस्ट हो। हम बेस्ट टू बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बना के अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने सपनों को पूरा करने में हम पूरी ताकत लगा देते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे लिए बेस्ट प्लान क्या है, मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, मैं कौन सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लूं। ऐसी बहुत सारी हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं। और आजकल हमारे पास ऑप्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम उन ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कोई कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, तो कोई कहता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो कोई हमें सजेस्ट करता है कि SIP और टर्म इंश्योरेंस हम ले, तो कोई कहता है कि इंश्योरेंस में काफी रिटर्न कम है, तो किसी को फिक्स डिपॉजिट पसंद है, तो कई लोग को तो बैंक में बैलेंस, जो सेविंग अकाउंट में बैलेंस है उसमें अगर पैसा ज्यादा रहे तो रात को नींद अच्छी तरह से आती है। तो दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छा और बुरा नहीं है। आप बचत करेंगे वो हमेशा अच्छी बात ही है, बट आपके लिए बेस्ट कौन सा है ये निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। आपकी एज के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से और आपकी फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, आपकी जो एसेट्स हैं उसके हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट है वो हो सकता है मेरे लिए बेस्ट नहीं हो या किसी और के लिए बेस्ट नहीं हो। चलिए इस बात को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे अगर हम किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वहां के फार्मेसिस्ट को या डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब मुझे आपको बेस्ट मेडिसिन दे दीजिए, तो क्या वो डॉक्टर या फार्मेसिस्ट आपको बेस्ट मेडिसिन दे पाएगा? हाँ दे पाएगा, बट उससे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी डायग्नोसिस करना पड़ेगा। आपकी जो जरूरत है उस जरूरत को डायग्नोसिस करना पड़ेगा, आपकी नीड को एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी आपको एक एक्सपर्ट की राय चाहिएगी। उस एक्सपर्ट की मदद से आपको एक बेस्ट मेडिसिन मिल सकती है। उसी तरह आपके लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, आपका मेहनत किया हुआ पैसा जब आप इन्वेस्ट करेंगे और अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए जब आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे, तो आपको हमेशा एक एक्सपर्ट की राय लेनी बहुत जरूरी है। और अगर वो आप राय लेते हैं तो आपको उससे फायदा मिलता है और आप अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। आजकल एक बात बहुत जोर से चली आ रही है कि SIP में इन्वेस्टमेंट करना और साथ में टर्म प्लान लेना इज द बेस्ट। हाँ ये बेस्ट हो सकता है, बट क्या ये सभी के लिए बेस्ट हो सकता है? कुछ फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए साल की हो सकती है, किसी की 15 लाख हो सकती है, किसी की 50 लाख और किसी की 5 करोड़। तो क्या ये सभी के लिए सही है? जी नहीं, ये सभी के लिए सही नहीं भी हो सकती है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे तो कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट आपकी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट हमेशा वही होता है जो एक मिक्स प्रोडक्ट, आपको सबका एक मिक्सचर, आपके लिए जो एसेट एलोकेशन है वो अगर करते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। SIP जैसे हम क्या होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, हम कुछ टर्म यूज करते हैं। जैसे अगर हमें टूथपेस्ट चाहिए तो हमारे दिमाग में एक आता है कोलगेट, या हम कॉपियर हमको करनी होती है तो हम बोलते हैं जेरोक्स करा लेते हैं, या हमें कोई डिटर्जेंट चाहिए तो हम बोलते हैं कि सर्फ ले आओ। वैसे ही SIP जब हमारे दिमाग में आता है तो हमारा दिमाग सीधे म्यूचुअल फंड की ओर चले जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप SIP में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप किसी भी जगह वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इक्विटी और म्यूचुअल फंड में ही करना है ऐसी बात नहीं है। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान है जो आप एक सिस्टम के तहत एक रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस में आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और आपके जो भी सपने हैं, आपके जो गोल है वो आपको उसमें पूरे करने में मदद मिलती है। बट जब हम म्यूचुअल फंड SIPs की बात देखते हैं
तो वहां मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि उसमें जो सिस्टम, मुझे कहीं सिस्टम नजर आता नहीं है वहां पे। वहां एक बात है कि कितने दिनों तक आपको पैसा रखना है, इसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। आप कब उठा सकते हैं, इसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कभी भी पैसा उठा सकते हैं। आपको कितने दिन रखना है, कब उठाना है, कब तक इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए भी कोई कंपल्सन नहीं है। और जब तक कोई कंपल्सन नहीं होता, तो इसका नतीजा ये होता है जो हमें एक सेवी के आंकड़ों से मिलता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अक्सर 3 से 4 साल के अंदर वो पैसे को उठा लेते हैं। हमें कोई भी बड़ा गोल जब हासिल करना होता है तो कुछ डिसिप्लिन की जरूरत होती है, कुछ कंपल्सन की जरूरत होती है। जैसे एक पतंग को उड़ने के लिए एक डोर से बंधे रहना बहुत जरूरी है, उसी तरह हमें भी अपने गोल को पूरा कर पाने के लिए हमें कुछ डिसिप्लिन और एक कंपल्सन होना बहुत जरूरी है। अगर उस पतंग डोर से बंधी नहीं रहेगी तो वो उड़ नहीं पाएगी। उसी तरह हम अगर कंपल्सन में आके कुछ एक डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम हमारे गोल को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। ये बात हो गई SIP के बारे में और टर्म प्लान के बारे में। टर्म प्लान यानी इंश्योरेंस के बारे में हम बात करते हैं। इंश्योरेंस एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम 1-2 मिनट या 1-2 दिन में हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, हमें टर्म प्लान भी लेना चाहिए। हमारी जो लोन लायबिलिटी है, अगर मेरी कोई लोन लायबिलिटी है और मेरी जो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मुझे मैं मेरे रहते मैं कंप्लीट करूंगा, बट इन माय एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ द इनकम अर्नर ऑफ द फैमिली, फैमिली पे डिपेंडेंस पे ये फाइनेंशियल बर्डन ना आए, इसके लिए हमें एडिक्वेटली कैलकुलेट करके एक टर्म प्लान भी लेने की जरूरत है। बट ये चीज आपको कौन बताएगा? एक एक्सपर्ट ही आपको इस विषय में सही सलाह दे सकता है। तो हमेशा हमें अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को प्लान करने के लिए हमेशा एक एक्सपर्ट की राय लेनी बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि एक बात हमने सुनी है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अल्प विद्या विनाशकारी, कि आपको कभी बहुत बुरा परिणाम मिल सकता है। तो एक दो दोस्त की बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक गांव में दो दोस्त थे, एक का नाम था अकबर और दूसरे का रहीम। एक दिन सुबह सुबह रहीम दौड़ा दौड़ा अकबर के पास आता है और कहता है कि मेरी गाय बीमार हो गई है और तुम्हारी भी गाय कुछ दिन पहले बीमार हुई थी, तो तुमने क्या किया? तो अकबर ने बताया कि मैंने ये किया, उसने जो जो किया उसके साथ शेयर किया। रहीम अपने घर गया और उसने भी वही सब किया जो अकबर ने किया था। दूसरे दिन सुबह रहीम देखता है कि उसकी गाय मर गई। अरे ये कैसे हो गया? वो फिर दौड़ा दौड़ा अकबर के पास गया और अकबर को कहा कि भाई मेरी गाय तो मर गई, तुमने जो बताया था वो सब मैंने किया कल। तो अकबर ने कहा कि मेरी गाय भी मर गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम राय ले, राय लेना अच्छी बात है, बट राय किससे ले, राय किससे ले, ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि आज दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही वेल्दी हैं और बहुत कम प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। तो हमें सही जगह से सही राय लेने बहुत जरूरी है ताकि हम अपने गोल को पूरा कर सकें। मैं हेमंत अग्रवाल आसाम से पिछले 21 सालों से और हमारी फैमिली पिछले 58 ईयर्स से लोगों को सही सलाह, फाइनेंशियल सही डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहे हैं, ताकि वे अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकें। आप भी हमसे सलाह लेके अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। पिछले 20 सालों में हमने न सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग पे, बट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में, हमारी लोगों के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस के बारे में काफी वर्कशॉप सेमिनार्स किए हैं, जहां से हमें जो सीखने को मिला है उसका लाभ हम हमारे लोगों को दे रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकी से समझने के लिए अगर आप फाइनेंशियली रिच होना चाहते हैं, आप रिच बनना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीक बातों को आपको समझना बेहद जरूरी है। और इसके लिए हम एक 2 घंटे का वर्कशॉप लेके आ रहे हैं जिसका मूल्य ₹5,000 है। बट ये ऑफर मैं आपको सिर्फ ₹399 में दे रहा हूं। और सिर्फ ये ऑफर ही नहीं,
इसके साथ अगर आप इस वर्कशॉप को 2 घंटे तक पूरा अटेंड करते हैं तो आपको 500 मनी एडवाइजर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कस्टमर टेलीग्राम ग्रुप जिसकी 1 साल की मेंबरशिप फ्री में दी जाएगी, जहां आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लेके कोई भी आपको कोई भी सवाल हो आपके मन में या कोई भी दिक्कत आ रही हो उसके लिए आप सुझाव ले सकते हैं, जो आपको पूरे 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो आप देर मत कीजिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके वर्कशॉप की डिटेल देखिए और अपने आप को इस वर्कशॉप में रजिस्टर कीजिए और अपने परिवार के सपनों को, अपने अपने और अपने परिवार के सपनों को सुरक्षित करने के लिए अपना पहला कदम उठाइए। धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।